केंद्र ने निर्णय ले रखा है कि राजधानी में कहीं पर किसी किसान को नहीं आने देने, ये पहले भी स्पष्ट हो चुका। चलो पंजाब हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर होंगे, लेकिन जो बिहार से टिकटें लेकर किसान आ रहे थे उनको क्यों गिरफ्तार किया दिल्ली में, महाराष्ट्र के किसानों को क्यों गिरफ्तार किया गया, या से कर्नाटका के किसान, एक जो बड़े लीडर की घरवाली थी, जिस तरह से उसको रेल से खींचा गया, उसका सर फोड़ा गया, ये भी दुनिया के सामने था, तो हमें मालूम है। तो उन राज्यों से अब उन राज्यों की अपना निर्णय होगा, वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेंगे नहीं, उनकी हैसियत ही नहीं है, वो रेलगाड़ी से पैदल चलें, कोई बस का प्रोग्राम करें, जो भी उनका निर्णय होगा, पंजाब हरियाणा को छोड़कर। ये मीडिया ध्यान से दे, जो हमारा मोर्चा चला है ये यहीं पर रहेगा, यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये स्पष्ट है। यहाँ जस का तस रहेगा, क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं, हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है, जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है, तो उस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक केंद्र या ये रास्ते खोल नहीं देता। तो हमने राजधानी जाने का निर्णय नहीं बदला है, लेकिन हम उस तब तक वेट करेंगे जब तक सरकार रास्ता नहीं खोल देती। तो जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते, उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं, जो भी आपका निर्णय है आप राजधानी में पहुंचिए। तो हम सरकार का ये नैरेटिव भी पूरी दुनिया के सामने रख देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।